Morning friends, today's topic solving an equation by systematic method. Systematic method के use करके और आपको ये equation solve करने. देखिए कैसे solve करते हैं. Question है give first the step. स्टेप बाई स्टेप सिस्टम इसको ही हम बोलते हैं सिस्टमेटिक मेथड. तो देखिए कैसे ये मानिए इक्वेशन है x माइनस वन इक्वल जीरो. इस इक्वेशन में हम क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि हमारी x की वैल्यू निकल आए. तो हम अगर यहाँ पर देखो माइनस का वन अगर प्लस का वन इसमें ऐड कर देते तो ये वन से वन कट जाएगा जीरो आ जाएगा आंसर. हाँ ठीक है. तो हम क्या करते हैं ये मेरा x माइनस वन इक्वल जीरो adding one in both sides ये मेरा बन जाता step. ये हमने step इस step का use किया है कि हम one को add करेंगे दोनों साइडों से. तो यहाँ पर हो गया x minus one plus one इधर भी add करेंगे zero plus ठीक. तो ये one से तो one खत्म हो गया. तो यहाँ पर हमारे पास x की value कितनी आ गई ये हमारा question का answer हो. ठीक एक तरीका तो ये हो गया. अब इसी एक दूसरा क्वेश्चन भी है जैसे थ्री एल इक्वल 42 इसको सॉल्व करना 3L इक्वल. तो अब यहाँ से मुझे L की वैल्यू निकालनी है. तो L की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ 3 और L की मल्टीप्लाई है. तो जब हम इसको करेंगे तो सॉल्व डिवाइड कर देंगे 3 की आंसर आ जाएगा. तो यही यहाँ पर करते हैं हमें 3L इक्वल 42 तो डिवाइडेड बाय 3 इन बोथ साइड. और ये हमारा बोला जाता है स्टेप. ठीक अब इसमें अगर दूसरे स्टॉप और स्टेप और होते तो हम यहाँ पे नंबर डाल देते स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू सिंगल ही है तो केवल स्टेप होते थे बस. तो यहाँ पर क्या हो गया 3L अपॉन 3 इक्वल 42 अपॉन 3. तो यहाँ से 3 से 3 कट गया ये 3 कट जाएगा तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40. ठीक आज आपको इसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन है जो होमवर्क में तो लीजिए होमवर्क में हरी हल्ला ही है उस पर वीडियो कॉल पर मत दीजिए. थैंक यू.